हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। अगर आपको कोई बोले कि पृथ्वी को दो भागों में काटो तो पृथ्वी अंदर से कैसी दिखेगी, तो आइए देखते हैं पृथ्वी अंदर से कैसी दिखेगी। देखिए, यह ऐसी दिखेगी। जब हम इसको काटेंगे तो एक अंदर का हिस्सा मिलेगा जो काफ़ी गर्म है, दूसरा उसके बाहर का हिस्सा, और तीसरा जो सबसे बाहरी परत है जो बहुत पतली है। यानी ये आपको जैसे प्याज होती है, प्याज जैसा इसकी परतें आपको देखने को मिलेगी। ऊपर वाली परत काफ़ी पतली है, बीच वाली काफ़ी मोटी है, और अंदर वाली उसकी अपेक्षा कम है। अगर हम देखें तो इन परतों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो पहली परत है उसको बोलते हैं क्रस्ट या परपटी, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, और तीसरे को बोलते हैं क्रोड या कोर। इंग्लिश में कोर बोला जाता है, हिंदी में क्रोड बोला जाता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक है आंतरिक या इनर कोर, और दूसरा है बाह्य क्रोड या एक्सटर्नल क्रोड। आपको इस चित्र से स्पष्ट हो गया होगा, क्रस्ट सबसे बाहरी परत है, बीच वाली जो परत है उसको मेंटल बोलते हैं, और उसके बाद जो सबसे भीतरी हिस्सा है उसको क्रोड बोलते हैं। और क्रोड को उसको दो भागों में बांटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इनर कोर को आंतरिक क्रोड बोलते हैं और बाहर वाले को बाह्य क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी की परतों की गहराई अगर हम देखें तो जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई है वह लगभग 35 किलोमीटर है, जो मेंटल है उसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है, और जो क्रोड है उसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें इनका योग, इनको जोड़ें, तो जो पृथ्वी की रेडियस है, यानी अगर हम किसी तरीके से पृथ्वी के मध्य तक पहुंचने की कोशिश करें, बीच तक पहुंचने की कोशिश करें, जैसे एक बॉल है तो आपको बोले कि उसके सेंटर तक पहुंचना है तो कितना गहरा होगा, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह 6371 किलोमीटर गहरा है। यानी अगर हम एक जगह से पृथ्वी में छेद करें और जो सबसे पृथ्वी का भीतरी हिस्सा है वह लगभग 6371 किलोमीटर है। अब आपसे एक सवाल है, ये सामान्य ज्ञान का सवाल है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो अभी तक ज्ञात है, जहाँ तक मनुष्य पहुँचे हैं, वह कौन सी जगह है, और दूसरा पृथ्वी का कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पर मनुष्य पहुँचा है। निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि और गहराई में हम लोग पहुँच सकें, लेकिन अभी की तकनीक के हिसाब से यह संभव नहीं है। तो ज़रूर इसका उत्तर ढूंढिए, आपकी किताब में दिया हुआ है। इसको हम फिर से देख सकते हैं इस रेखा चित्र के द्वारा, कि जो ऊपरी परत है उसको क्रस्ट या लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसके बाद का जो हिस्सा है आप देखिए मेंटल, और फिर उसके बीच का जो हिस्सा है नीचे वाला वह है कोर। क्रस्ट, ये जो ऊपरी परत है इसको क्रस्ट बोला जाता है। इसमें तरह तरह के जो है खनिज पाए जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन और सिलिकन की बहुलता है, इसमें ऑक्सीजन सिलिकन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एलुमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम भी है। अगर हम देखें तो ये जो बाहरी परत है वह जो हिस्सा समुद्र के नीचे है वह ज़्यादा कठोर है, और जो समुद्र के बाहर हिस्सा है वह
मोटा दिखने में है, लेकिन उसका जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है, वो कम है। हालांकि ये चट्टानें देखने से कठोर प्रतीत होती है, लेकिन समुद्र के नीचे जो पानी के दबाव के अंदर में जो मिट्टी का हिस्सा है, जो क्रस्ट का या परपटी का हिस्सा है, वह ज़्यादा कठोर है, वह ज़्यादा डेंस है, और वो बेसाल्ट से निर्मित है। और यह जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है, जो महाद्वीपीय हिस्सा है, वह ग्रेनाइट से निर्मित है। आइए देखते हैं परपटी के प्रकार। आपने दो तीन टर्म सुनी कि वो क्या थी, आपको समझ में आए। फिर से देखिए, क्रस्ट बाहरी परत है, मेंटल मध्य वाली परत है, और जो कोर है वह अंदर वाली परत है। जो क्रस्ट है वह दो भागों में बटी है, एक जो समुद्र के नीचे है और एक जो बाहर हमें दिखती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी का 70% भूभाग पानी से दबा हुआ है, उसके नीचे जो मिट्टी या चट्टानी हिस्सा है, उसको हम महासागरी परपटी या ओशेनिक क्रस्ट बोलते हैं, या ओशेनिक मास बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे सामने जो 30% जमीन आपको दिखती है, जहाँ पर पानी नहीं है, उसको हम कॉन्टिनेंटल मास या महाद्वीपीय परपटी बोलते हैं। ये जो ओशेनिक क्रस्ट है, यह बहुत पतला है, यह लगभग 5 से 8 किलोमीटर है, जबकि जो महाद्वीपीय परपटी है वह लगभग 35 किलोमीटर मोटा है। अब ये है कि ये प्लेट क्या है, ये जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है वह कई हिस्सों में बटी हुई है। ये विशाल भूखंड है, जो भूपरपटी का जो ऊपरी क्रस्ट और मेंटल का हिस्सा है, इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसमें ये 7 विशाल भूखंड हैं, और ऐसे ही सैकड़ों छोटे छोटे और भूखंड हैं। इन्हीं को हम भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। ये सतत एक दूसरे से लड़ते हुए या दूरी बनाते हुए ये गतिशील हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये जैसे दूध के ऊपर क्रीम है, तैरती रहती है, या महासागरों में आप देखें बर्फ की चट्टानें तैरती रहती हैं, उसी तरह से यह भी तैर रही है। आप देख सकते हैं 7 जो बड़े जो प्लेटें हैं वह आपके सामने मानचित्र पर है। ये मानचित्र में आपने देखा भी होगा कि ये जो भूभाग है, जो जमीनी हिस्सा है, जो लैंड मास है, वो हमारे 7 महाद्वीप भी हैं। इसके अलावा जो पानी वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी आपको सैकड़ों छोटी और बड़ी प्लेटें जो है देखने को मिलती हैं। कुछ का उदाहरण अगली स्लाइड में है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ आप देखिए पैसिफिक प्लेट है, ये ओशेनिक प्लेट है। इसी प्रकार देखिए अफ्रीकन प्लेट है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें आपको जो है ओशेनिक प्लेट भी दिख रही है और साथ में कॉन्टिनेंटल प्लेट भी दिख रही है। परपटी के प्रकार की अगर बात करें फिर से, तो आप देख सकते हैं 2 प्रकार है, महाद्वीपीय और महासागरी, कॉन्टिनेंटल एंड ओशेनिक। फिर से आप देख लीजिए, जो समुद्र के नीचे हिस्सा है काफ़ी पतला है, और जो बाहर है, जो जमीन वाला हिस्सा है, द लैंड मास विच इज आउट ऑफ द वाटर, दैट इज मोर थिकर। ओशेनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर हम अंतर करें, तो आप देख सकते हैं फिर से कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज थिक, वाइल ओशेनिक क्रस्ट इज थिन। ओशेनिक क्रस्ट इज यंगर एंड डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सिमिलरली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टेंड्स टू लाई हायर देन ओशेनिक क्रस्ट एंड फॉर्म्स कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें 2 मिनरल्स सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है।
इसीलिए इसको सियाल बोला जाता है। ऐसे ही जो ओशनिक क्रस्ट है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें जो शुरू के दो अक्षर हैं एस आई और एम ए, इससे मिलकर के सीमा बना है। तो सिलिका दोनों में है, लेकिन जो लैंड मास है जहाँ ज़मीन है उस हिस्से में आपको एल्युमिनियम ज़्यादा है, इसलिए सियाल लेयर बोला जाता है। और जो समुद्र के नीचे है वहाँ मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे सीमा लेयर बोला जाता है। ये दोनों लेयर मिल करके और मेंटल का हिस्सा मिला करके लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, यानी स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल के नीचे एक पतली सी परत होती है जो सेमी सॉलिड होती है, या आप कह सकते हैं मोम की तरह होती है या जेल की तरह होती है, उसको हम एस्थिनोस्फीयर बोलते हैं। वह भी पाई जाती है, वह भी जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल हिस्सा है। तो एक बार देख लें, जो भूपर्पटी का विभाजन है वो दो भागों में है, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, और दूसरा है एस्थिनोस्फीयर दुर्बलता मंडल बोला जाता है। दुर्बलता मंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जो चट्टानी हिस्सा है चट्टानों की तरह कठोर नहीं है, यह मोम की तरह है, यह जल की तरह है, जिसके ऊपर ये जो कठोर हिस्सा है वह तैर रहा है। इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द एस्थिनोस्फीयर। फिर से देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, और देखिए लिथोस्फीयर जो लगभग 100 किलोमीटर तक है, उसके बाद जो लगभग और 100 किलोमीटर है मेंटल का हिस्सा है वह एस्थिनोस्फीयर, उसको प्लास्टिक बोला जा रहा है क्योंकि वह सेमी सॉलिड है, वह पूरा सॉलिड नहीं है। फिर से आप चित्र में देखिए, लिथोस्फीयर हार्ड है और एस्थिनोस्फीयर सॉफ्ट है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, भूगर्भी प्लेटें फिर से आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है और देख सकते हैं यह कैसे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस कॉल्ड प्लेट्स, दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द सॉफ्ट सेमी रिजिड एस्थिनोस्फीयर। हिंदी में अगर बोलें तो जो भूगर्भी प्लेटें हैं यह विशाल भूखंड है जो एस्थिनोस्फीयर के ऊपर निरंतर तैर रहा है। एस्थिनोस्फीयर यह प्लास्टिक जैसा मटेरियल है और यह गर्म है और इसके अंदर में सॉलिड और लिक्विड दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। मेंटल, मेंटल में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जिसमें लोहा, मैग्नीशियम, सिलिकन और ऑक्सीजन प्रमुख हैं। यह पृथ्वी का जो पूरा वॉल्यूम है, अगर पृथ्वी को अगर हम उसके हिस्से को बांटें तो इट इज़ अबाउट 85% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। अगर हम क्रस्ट की बात करें इट इज़ ओनली 5%, एंड हेयर द मेंटल इज अबाउट 85%, एंड नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज You can again see when you cut the earth into different parts, or you can say if you vertically cut like an orange, you will find such type of structure. Inside you can find inner core, then you have the outer core, and you have the lower mantle, then you have the upper mantle, and then you have the top layer of the crust. You can see the core is
basically made up of iron. Core. Core is having the thickness of about 3500 kilometers. ये लगभग 3500 किलोमीटर थिक है. एंड इट हैज द प्रोमिनेंस ऑफ निकल एंड आयरन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नीफे. आयरन जो लोहा है उसको आयरन कहा जाता है और निकल को निकल ही बोला जाता है. जो आयरन है उसका वैज्ञानिक नाम जो है वो फेरस है, इसीलिए यहाँ पर उसका पहला शब्द एफ ई लिया गया है और निकल का एन आई लिया गया, इसीलिए नीफे बोला जा रहा है. यह दो भागों में बटा है, इनर कोर और आउटर कोर भी. जो कोर है उसका तापमान बहुत अधिक है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए वहाँ पर जो चीज़ें हैं वह लिक्विड की अवस्था में है. कहते हैं पृथ्वी का जो वजन है वो वहीं पर केंद्रित है, सबसे ज़्यादा वहीं पर है, और इसी के कारण पृथ्वी के अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. तो फिर से देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसके कितने भाग हैं. तो आप देखेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर. फिर से आप देख लीजिए उसका तापमान दिया हुआ है और वहाँ पर कौन कौन से खनिजों की प्रमुखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. यानी भूपरपटी पर जो भी खनिज पदार्थ हैं उनके प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं. ये अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर के हो सकते हैं, इनका गठन अलग अलग हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी शैलें कितने प्रकार की होती हैं. तो अगर हम देखें देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. द फर्स्ट वन इज आइग्नस रॉक्स, सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक. आइग्नस शैलों को आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री को अवसादी शैल और मेटामॉर्फिक को कायांतरित शैल कहते हैं. अगर हम देखें तीनों के जो उत्पत्ति हुई है, जो ओरिजिन है, वह लैटिन शब्दों से हुई है. और इनका अर्थ क्या है, तो अगर देखें तो यह लैटिन शब्द इग्निस से बना है, आइग्निस, और इसका अर्थ है अग्नि. इसी प्रकार सेडिमेंट्री, यह सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ है स्थिर. और इसी प्रकार से जो मेटामॉर्फिक शब्द है वह ग्रीक शब्द से बना जिसका अर्थ है मेटामॉर्फस, यानी रूप परिवर्तन. आग्नेय शैलें, आइग्नेस रॉक्स, ये लावा के ठंडा होने से बनी है. जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके अंदर से जो पिघला हुआ जो मोल्टन मैग्मा है जब वो ऊपर आता है तो ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद इससे जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं. यह प्राथमिक शैलें हैं क्योंकि सबसे पहले शैलों का निर्माण इसी प्रकार होता है. आग्नेय शैलें दो प्रकार की हैं. पहला है इंट्रूजिव रॉक्स जिसको अंतर्भेदी शैलें भी कहते हैं. यह जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका जो लावा है वह जमीन के नीचे ही रह जाता है, वह बाहर नहीं निकल पाता और वो धीरे धीरे ठंडा होता है. धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से उसका जो पार्टिकल साइज है, जो उसके कण हैं, उसके कण जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज ग्रेन्स होते हैं. यानी जो क्रिस्टल बनता है वो बड़ा क्रिस्टल बनता है. उसका उदाहरण है ग्रेनाइट. दूसरे जो प्रकार की शैलें हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रूजिव रॉक्स या बहिर्भेदी शैल. जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसमें से अगर लावा बाहर आ गया, पृथ्वी की सतह पर आ गया, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये बड़ी तेजी से ठंडा होता है क्योंकि हवा के संपर्क में आता है, जिसके कारण जो उसके अंदर में ग्रेन्स हैं, जो कण हैं, वह
बहुत महीन बनते हैं। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। जो हमारा दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, वो इन्हीं चट्टानों से मिलकर के बना है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित शैलें। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ आइग्नेस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो आग्नेय और अवसादी शैलें हैं, अगर यह उच्च ताप और उच्च दाब पर रखी जाती हैं तो यह अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। इन शैलों को, जो परिवर्तित शैलें जिनका रूप बदल जाता है, उनको हम कायांतरित शैलें कहते हैं। उदाहरण के लिए, चिकनी मिट्टी है, अगर उसको हम ज़मीन में दबा दें, जहाँ काफ़ी दबाव है, जहाँ तापमान ज़्यादा है, तो समय के साथ में उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और वह स्लेट में बन जाती है। स्लेट जो आपने प्राइमरी क्लासेस में देखा होगा, पहली क्लास में, जिस पे आप लिखते हैं चौक से, वो स्लेट। उसी प्रकार से चूना पत्थर, अगर जो लाइमस्टोन है उसको भी हम ज़मीन में दबा दें या ये दब जाए, तो यह संगमरमर में, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेज ऑफ रॉक्स, हम शैलों का या चट्टानों का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो आपने देखा, मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, सड़कों को घर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने रेल पटरियों के किनारे देखा होगा, उसको रेल पटरियों को पकड़ करके रखने के लिए। फिर हम लोग खेलने कूदने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चे पिट्ठू खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं, गिट्टी खेलते हैं, तो वहाँ भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार आप देखिए, एक उदाहरण है, लाल किला, रेड फोर्ट आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को वहाँ से भाषण देते हैं। तो ये आप देखिए, ये रेड कलर का दिख रहा है। ये इसलिए रेड दिख रहा है क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन से बना है। जो ये सैंडस्टोन है, ये प्राकृतिक इसका कलर है रेड, इसीलिए इसको जो है नेचुरल लुक दे रहा है। इसी प्रकार आप देखिए,
एक और है आपके बगल में इमारत, इसको पहचानिए, ताजमहल, यह मार्बल से बना हुआ है। तो मार्बल आपका एक कायांतरित शैल है। और इस तरफ आपने देखा सैंडस्टोन, ये जो सैंडस्टोन है यह आपका एक सेडिमेंट्री रॉक। तो दोनों में जो है कितना अंतर है, देखिए, जो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है ये सॉफ्ट होता है और जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है कंपैरेटिवली काफ़ी हार्ड होता है। रॉक साइकिल, सैल चक्र। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने तीन प्रकार की शैलों को देखा। पहली जो शैल थी वह आइग्नस या आग्नेय शैलें थी, दूसरी हमने देखा वो सेडिमेंट्री या अवसादी शैल थी, और जो तीसरी शैल थी वह हमने देखा, जो तीसरे प्रकार का रूप था वह कायांतरित था यानी मेटामॉर्फिक रूप था। ये जो तीनों शैलें हैं ये परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि पहली जो चट्टान बनती है, जो फर्स्ट टाइप है, वह है आपकी आग्नेय शैल, आइग्नस रॉक। अगर उसको हम काफ़ी गर्म करें पिघल जाएगी, नया रूप उसका आएगा सामने। यही चट्टान अगर टूट फूट जाए तो सेडिमेंट्स बनेंगे, उसी सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होगा। और फिर अगर ये दोनों प्रकार की शैलों को अगर हम दबा दें जमीन में, जहाँ तापमान अधिक है, जहाँ दबाव ज़्यादा है, तो उसका नया रूप बन जाएगा कायांतरित रूप। तो आप देखिए, यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से पहले पिघलने पर यह आग्नेय शैल बनेगी और अगर टूट फूट जाती है तो अवसाद बनेगा, तलछट बनेगा, उससे अवसादी चट्टान बनेगी। फिर अगर ये दब जाए, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, तो वह मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और उस मैग्मा से फिर ठंडा होकर के फिर से आग्नेय शैल बनेगी। और अगर तापमान थोड़ा सा कम है तो कायांतरित शैल में बनेगी। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसी को हम द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर इज टर्म्ड एज रॉक साइकिल। इसी को ही सैल चक्र कहते हैं। मिनरल्स, खनिज किसे कहते हैं? तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टन फिजिकल एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। यानी जो खनिज है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, खनिज बहुत ही उपयोगी हैं, इनका तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज एज फ्यूल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, फूड, ज्वेलरी एट्सेट्रा, मेनी अदर यू कैन नेम। तो इनका उद्योगों में, औषधि में, भोजन में, उर्वरक में, आभूषण में तरह तरह से उपयोग किया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, लोहा है, एल्युमिनियम है, नमक है, सोना है, तरह तरह के जो है इसके उपयोग हैं।